अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल आप लोग? जो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, यस होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ मैंगो जूस का 1 लीटर पैक। किस तरह बनता है, किस तरह डिजाइन होता है, क्या क्या चीजें डलती हैं, तो आज मैं आप लोगों को बताऊँ किस तरह बनता है। ठीक है, मैं साइज दूंगा 1080 का, 1080 ये मैंने साइज ले लिया। इसको मैंने इस साइज को, वैसे तो मैं 1080 इंस्टाग्राम पोस्ट का एक साइज है, आप किसी भी अपने साइज से बना सकते हैं, आप जो आपको साइज साइज सही लगे। और मैं ये के मैंने बिल्कुल ये कलर ले लिया। ठीक है, ये ले लिया कलर मैंने अपने बैकग्राउंड पे, और इसको यहाँ पे रखा। इसको मैंने अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर लिया, और अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट करने के बाद मैंने इसको ड्रॉ करना है, और मैंने इसको कर देना है कंट्रोल टू। इसको मैंने लॉक कर दिया। ठीक है, इसको मैंने लॉक कर दिया, ये लॉक हो गया, इसको भी लॉक कर दिया, ये लॉक हो गया। मैंने क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है पेन टूल से। मैं पेन टूल से बता देता हूँ किस तरह ड्रॉ का। ठीक है, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ पेन टूल से। और बात इतफाक ऐसा होता है कि हम लोग जब ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हमारा हाथ स्लो चल रहा होता है, लेकिन हम लोगों ने ये कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी जल्दी स्पीड अपनी तेज करके इसको ड्रॉ करें। ठीक है, और ये मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये डिज़ाइन जरूर पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो अब मैं ये डिज़ाइन आपको जब बनेगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका लुक क्या आएगा, बहुत अच्छा लुक इसका आएगा, बहुत ज़बरदस्त। तो ये मेरा डिज़ाइन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसको मैंने कंट्रोल टू कर दिया। ठीक है, एक सेकेंड, इसको मैंने कंट्रोल कंट्रोल टू कर दिया। फिर उसके बाद ये चीज़, ये मैंने डिज़ाइन करनी है, इसको मैंने कंट्रोल टू कर दिया। इसको यहाँ से ये डिजाइन करा, यहाँ से ये डिजाइन करा, यहाँ से ये डिजाइन करा, ये डिजाइन करने के बाद ये डिजाइन हो गया, ये हमारा बॉक्स डिजाइन हो गया। ठीक है, अब क्या करना है मैंने दोस्तों, मैंने क्या करना है, मैंने इसको करना है कंट्रोल आल्टर टू करा मैंने। ठीक है, इसको मैंने कंट्रोल टू कर दिया, बैकग्राउंड को ये लोग हो गया। इसको जो बैकग्राउंड था मैंने इसको डिलीट कर दिया, ये मेरे पास बॉक्स रेडी हो गया। ठीक है, ये मेरे पास एक बॉक्स आ गया, डिजाइन आ गया। अब मैंने इसका केप बनाना है। मैं केप किस तरह बनाऊंगा, इसको मैं ऊपर का केप पेन टूल से ड्रॉ करूंगा ऐसा। ठीक है, मैंने इसका ये मैंने हिस्सा ड्रॉ कर लिया, मैंने ये हिस्सा ड्रॉ कर लिया, और इसको मैंने एक साइड में रख दिया। कलर मैंने बिल्कुल दूसरा रखना है। ठीक है, मेरे कलर ये रहे, मैंने ये कोड लिया, मैंने कोड देखा कलर कोड क्या है, कलर कोड को मैंने कॉपी करा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इस पे मैंने कलर को पेस्ट कर दिया, अपना जो कलर देना है मैंने ये पेस्ट कर दिया। अच्छा, मैं आज आपको आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 3D किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इफेक्ट में आएंगे, 3D में आएंगे, रिवॉल्व लिखा हुआ है, रिवॉल्व पे आप क्लिक करेंगे, प्रीव्यू करेंगे, ओके कर देंगे, ये हमारा एक केप बन गया। देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त, कितना बेहतरीन केप आपको डिज़ाइन तैयार है केप का। तो ये मैं आपको एंड में लगा के दिखाऊंगा। दूसरा जो उसकी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से हम उस पर वर्क करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, इसको हम बड़ा कर लेंगे, मित्ता बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसमें अब अपने कलर डाल देंगे। इसमें हम कलर करेंगे ये वाला ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट आप लोग अपने लिहाज से सेट कर लीजिएगा, किस तरह सेट करना है, किस तरह नहीं। ठीक है, तो ऐसे हाँ इसको सेट कर लेंगे। ठीक है, अपने लिहाज से जितना भी आपने सेट करना है। मैंने अपने कलर रखे हुए ग्रेडियंट,
आपको जो चीज़ें अच्छी लगें इंग्रेडिएंट में आप लोग जो रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। ठीक है, मेरे को ये चीज़ अच्छी लग रही है, मैंने ये इंग्रेडिएंट रख लिए सारे। अच्छा, मुझे ये इंग्रेडिएंट देने हैं, इसका इंग्रेडिएंट ये आ गया। अच्छा, अब मुझे स्प्रे कलर देना है तो स्प्रे कलर में ये वाला दे देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें स्प्रे कलर में ये दे देता हूँ, ये रह गया। इसपे ही कलर में ये दे देता हूँ। अच्छा, अब इसमें देख लें कि कहीं से कुछ कुछ बिल्कुल ये चीज़ें दिखें, तो आप जो है डायरेक्शन टूल ले लें, डायरेक्शन टूल से इन चीज़ों को अपने से सही उस पर बिठा लें ताकि ये के काम आपका और अच्छा हो जाए। ये जो बारीकियां हैं ये हमें देखनी है ताकि ये कि ये एक अच्छा सा एक मेरा बॉक्स तैयार हो जाए। ये रेडी है। ठीक है, नीचे से मैं देख लेता हूँ इसको, थोड़ा सा यहाँ से सही हो गया। ठीक है, ये हो गया डन। अच्छा जी, यहाँ से देख लेता हूँ, यहाँ से ये क्या कह रहा है, तो मैं वही डायरेक्शन टूल लूंगा, इसको भी यहाँ से सही कर लूंगा। ये हो गया डन, ये यहाँ से हो गया मेरा डन। अच्छा, एक चीज़ और कि मैंने यहाँ पे अब क्या देना है, शेडो देना है। शेडो में आऊँगा फेक में, फेक में आके रिस्टाइज स्टाइलाइज ड्रॉप शेडो, ड्रॉप शेडो मैं अपने प्रीव्यू में देखूंगा, अपने लिहाज से मैंने करा हुआ है 20:5, ये देख लेना, इसको ओके कर देना। ठीक है, मुझे बेहतर लग रहा है, मैंने ये सेट कर दिया इसको। ठीक है, ये डन हो गया। अच्छा जी, अब मैंने जो है यहाँ पे अपनी चीज़ें सेट करनी है। चीज़ें मैं किस तरह सेट करूँगा, मैंने यहाँ पे अपना एक पैनल खोला हुआ है, यहाँ पे कुछ चीज़ें सेट करनी है वो मैं बता दूंगा किस तरीके से करनी है। ठीक है, सबसे पहले मैंने अपना कंट्रोल एक्स करा मेनू को यूज़ को, और इसको मैंने कर लिया ब्लू इन साइट, ब्लू इन साइट मैंने इसको यहाँ रखा। ठीक है, उसके बाद मैंने ये कंट्रोल एक्स करा, यहाँ पेस्ट करा इसको मैंने ऊपर, यहाँ पे सेट कर दिया। उसके बाद मैंने अपना ये ले लिया। ठीक है, इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे लेकर आऊंगा और इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद पर्सपेक्टिव में मैंने इसको सेट कर लिया अपने लिहाज से किस तरह मैंने सेट करना है। मैंने यहाँ पे इसको सेट करा, कंट्रोल एक्स करा, यहाँ पे आके मैंने कंट्रोल वी करा और यहाँ पे मैंने इसको सेट कर लिया। ये यहाँ पे ये यहाँ सेट हो गया, ये अपनी जगह पे सेट हो गया, देख लिया थोड़ा सा इसको मैंने सेट कर लिया। ठीक है, ये हो गया डन। मैंने ऊपर ये इसको मैंने अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर लिया, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट हो गया, इसको देखा ये सेट है, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ये सेट हो गया। अच्छा, मैंने ये अपना लोगो लगा दिया, जे डॉट एस अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, ये अपना मैंने लोगो लगा दिया, ये मेरा लोगो आ गया। इसको मैंने यहाँ मैंगो को लगा दिया, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, इसको मैंने फ्रंट कर दिया, इसको अपने लिहाज से मैंने सेट कर लिया। ठीक है, ये देख लिया, ये हो गया मेरा सेट, ये मेरा हो गया फ्रंट। अच्छा, अगर बिलफर्ज मैंने बारकोड लगाना है, मैंने बारकोड उठाया वही मैंने कॉपी करा, मैं इसमें लेकर आया और मैंने यहाँ पेस्ट करा, वही क्या नाम है अपना पर्सपेक्टिव की शुरू, पर्सपेक्टिव से मैंने उसको यहाँ रख लिया, कंट्रोल एक्स करा। मैंने जो है इस पे वापस अपनी फाइल पर आया और मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, और मैं अब इसको यहाँ रखना चाह रहा हूँ, इसको थोड़ा मैंने छोटा करा और छोटा करा। ठीक है, ये मेरा बारकोड यहाँ सेट हो गया, मेरा यहाँ बारकोड आ गया। ठीक है, ये मेरा बारकोड हो गया यहाँ। उसके बाद अगर मैं कुछ यहाँ रखना चाह रहा हूँ तो मैंने इसको कॉपी का कंट्रोल ग्रुप करके इसको मैंने यहाँ रखा, ये इसको मैंने करा अरेंज प्रिंट टू फ्रंट, मैंने इसको यहाँ रख दिया, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया,
ठीक है, इसके मैंने सेटिंग करके यहाँ रख दी, ये डन हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर मेरे को जगह खाली लग रही है, यहाँ मैं अपना लोगो लगा दूंगा, वहीं पे मैंने पेस्ट करा लोगो, और इसी में मैं गया पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव से मैंने इसको अपना लोगो यहाँ रख लिया, कंट्रोल एक्स करा, इस फाइल में आया मैंने अपना लोगो यहाँ पे फिट कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा बेहतर लग रहा है, इस डिज़ाइन को भी हम थोड़ा सेट कर लेते हैं, ये थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ये सेट हो गया। ठीक है, ये डन हो गया। अच्छा, मैंने केप लगाना है, मैंने केप ये रखा हुआ, केप बनाया हुआ है, मैंने बताया था कि लास्ट में लगाएंगे हम केप, मैंने ये केप उठाया दोस्तों, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया, इसको यहाँ फिट कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये मेरा फिट हो गया। अच्छा, मैंने शेडो शेडो मैंने उठाया, इसका शेडो लगा। अच्छा, ये शेडो जो है अरेंज पिंक टू फ्रंट का शेडो, वैसे तो ये एडोब फोटोशॉप पे बनता है। जब मैं आपको एडोब फोटोशॉप की क्लास सिखाऊंगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा ये शेडो किस तरह बनता है। तो हम इसको अरेंज, इसको अरेंज तो नहीं, हम इसको ब्रैकेट से कर लेंगे, इसको पीछे ले गए इसको। ठीक है, और उसके बाद हमने इसकी ऑपेसिटी कम कर दी, इसकी ऑपेसिटी हमने कर दी इतनी कम, और इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे अपने लिहाज से। ठीक है, देखेंगे हम पीछे से, तो ये ऑपेसिटी ज़्यादा है, हम इसको रख लेंगे 20, ये डन है। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब हम कंट्रोल टू कर लेंगे इसको। सबसे पहले तो ये देखेंगे मेरा ये मैंगो जूस तैयार है, मेरा रेडी है, मैं कंट्रोल आल्ट टू कर लेता हूँ ताकि ये मेरा सही परफेक्ट हो जाए। ठीक है, अब डन है। अच्छा, आप देख सकते हैं मेरा मेरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, मेरा ये बॉक्स तैयार है, और ये बहुत अच्छी चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था, आप लोगों को सिखाने के लिए। ये एक 1 लीटर पैक है मैंगो जूस का। अगर आप लोगों को ये चीज़ पसंद आए, अच्छी लगे, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।